बाबू का एक और वैक्सीन का डेट आ गया है। पिछले बार हम और जिया गए हुए थे, उसे पर्सनली कहें तो मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। शायद मुझे लगता है कि जिया को भी अच्छा खासा लगता है, और यहाँ तो बात है एक नन्ही सी जान को इंजेक्शन लगने। यहाँ पर बाबू को लगने वाला है जी वैक्सीन। तो पहुंच गए जी जिया के कॉलेज। जिया गई हुई अंदर अपना काम करवाने के लिए। ज्यादा काम तो है नहीं, तुरंत ही हो जाना चाहिए। और हम जो यहाँ पर अंदर वेट कर रहे हैं, बाबू को जो है किसी सब्सक्राइबर ने पकड़ लिया है, तो उन्हीं की वजह से जो है हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो थैंक यू आपका। तो फाइनली जी जिया का काम हो गया है, और जिया का काम होने के बाद अब जो है हम लोग निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ। और ड्राइव करने में अभी थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि रोड ही कुछ ऐसा है खाली खाली, जो कि ज्यादातर मिलता है नहीं हमें। और हमारा बाबू जो है आराम से जिया की गोद में सो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही शोर मचा रहा था। हम जो है बाबू को लेकर के थोड़ी देर बैठे थे गाड़ी में, और एक सब्सक्राइबर थे वो भी कुछ देर पकड़ लिए वहाँ पर, तो थैंक यू उनका। फिर जिया आई, फिर यह जो है अपना फीड किया है, और फीड करने के बाद हम लोग निकले हैं। हम लोग रुक गए हैं जी डूमर में, और यहाँ पर जो थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं चाय जरूर पिया। बिल्कुल जी, तो यहाँ का चाय जरूर पीते हैं। वैसे हम जो है चाय पीने वाले आदमी है नहीं, फिर भी यहाँ पर जो है पी लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा चाय मिलता है ना यहाँ का, एकदम शुद्ध दूध का एकदम खोआ जैसा स्वाद आ जाता है। और यहाँ से जो है सोच रहे थे कुछ मिठाई ले लें, लेकिन घर में जो है मिठाई वेस्ट ही चला जाता है, कोई खाते नहीं। और डॉक्टर ने इनको भी मना कर दिया है, अभी ज्यादा मतलब बाहर की चीजें खाने से मना कर दी है। मिठाई के लिए तो मना नहीं किया है, लेकिन नहीं खाएंगे जी मिठाई से, मेरा मन थोड़ा सा भर गया। ठीक है, तो चलते हैं सीधा आप यहाँ से घर। और यहाँ जो हमारा बाबू है, यह भी जग गया है, और अभी तक जो है सोते हुए यात्रा कर रहा था, और अब उठ गया है। मजे में एंजॉय कर, मजे में। बोले पापा सिर्फ आप एंजॉय करोगे, मैं भी करूँ। है ना, दादी के पास जा रहे हैं ना। दादी के पास जा रहे हैं, बाबा बहुत मिशी करेंगे बेटे को। ऊपर देखा है। ठीक है, तो चलते हैं। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8:30, और हम लोग जो है सो करके उठ चुके हैं। और रात में तो दूध पिए ही थे, लेकिन थोड़ा सा दूध जो है रात में बच गया था, तो सुबह उठ करके जो है दूध को खत्म कर रहे हैं। और जिया जो है अपना यहाँ सारा फल काट रही है। हो गया फल काटा हुआ, कुछ और बचा हुआ? सेब भी बचा होगा। पपीता सबसे पहले काट देना, पपीता खराब हो जाता है जल्दी। और बाकी यहाँ पर माँ जो है किचन में कुछ बना रही है। सब्जी बनेगा, दाल बन के रेडी है, उसके बाद चावल रोटी। अच्छा, आज आलू का कुछ नहीं बनना है? आज नहीं बनाएंगे आलू परोठे का सब्जी, कल बने भी थे, रोज रोज वही सब्जी। ठीक है, कोई बात नहीं, बदल बदल के बनाइए और खाइए, औषधि बना के खाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो हरी सब्जी भी खा लिया। ठीक है, आलू है ही नहीं बनेगा, इसलिए दुकान से ला। ठीक है, मिस्टर बुग्गू है यहाँ पर, आराम से मजे में झूल रहा है मिस्टर बुग्गू। क्या है मिस्टर बुग्गू? नीचे गया दादी के पास, दादी के पास कुछ देर रहा, मुंह में हाथ डाल रहा था, हाथ डाल के खेल रहा था, बस उसकी दादी जो है हाथ हटा दी, और जैसे हाथ हटाई रोना शुरू, तब वही बता दिया, फिर उसको लाना पड़ा ऊपर। यहाँ पर अभी खेल रहा है, और बाहर का मौसम आपको दिखाता हूँ, बाहर के मौसम से कैसा है, जबरदस्त बारिश हो रही है, मजा आ गया जी। ओहो भाई साहब, क्या नजारा लग रहा है। नंगू है तू? यहाँ पापा बेटू की बात चल रही है। मिस्टर नंगू, ओए मिस्टर बुग्गू, क्या कर रहा है? क्या हो गया बाबू को? क्या हो गया, क्या हो गया बाबू को? अब इसको घूमना है, घूमना है इसको, घूमी घूमी करना है, घूमी घूमी, घूमी घूमी करना है तेरे, घूमी घूमी करना है। A few moments later. Yeah.
जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले आवाज सुना तो यह था क्रियांश का अलार्म। तो क्रियांश ने अलार्म बजा दिया, अब हम लोग भी उठ गए हैं। लेकिन क्रियांश की मम्मी अभी तक सो रही है गहरी निद्रा में। उठ जाओ उठ जाओ, जगाता है तो क्या करे, रात भर जगाता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर जगाता है, पहले कुछ ज्यादा जगाता था, है ना क्रियांश। और यह जो शैतान है, इसने देख सकते हैं, यह जो है अपना गाल इसको नछोड़ लिया है। भाई साहब क्यों करती है बुग्गा बुगू, क्यों क्या तुमने ऐसा बुगू। तो हमारा लग गया जी खाना, तो यहाँ पर खाना लग गया है। और आज खाने में है हमारा चना दाल और कद्दू और बैंगन का तरुआ। तो बेसन में लपेट के डालती है तो और अच्छा लगता है। बेसन में? अच्छा, बेसन में दिया। A few moments later. मम्मी का हो गया पूजा? अभी देरी है। अच्छा देरी है, पूजा रूम खाली नहीं है। अच्छा, तो क्रियांश की दादी से रिक्वेस्ट किए कि वो भी चले इंजेक्शन दिलाने के लिए, जो वैक्सीन लगना है। काम हम कभी नहीं करते। लेकिन दादी जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना बेटा को नहीं दिलाए, हम पोता को कैसे दिला सकते। अच्छा, नर्स को डैडी दे दिए थे, तो आप दिला दीजिए, हमको बहुत डर लगता है, हम अपना सुई नहीं लेते हैं, बच्चा कहाँ दिलाए। अच्छा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुई सफल रहे, बच्चा सबके गोद में हंसता खेलता रहे। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है किसी माँ का गोद सुनी नहीं हो, जैसे मेरे घर में बच्चा खेल रहा है, ईश्वर सब सज्जन के घर में बच्चा खेले, इसी तरह सब जैसे हम पोता को देख के खुश हो गए, सब कोई खुश हो। तो हो गया जी मेरा खाना, और आज बारी है बाबू को वैक्सीन दिलाने की। हाँ जी, बाबू का एक और वैक्सीन का डेट आ गया है। पिछले बार हम और जिया गए हुए थे, तो आपने उस ब्लॉग को देखा होगा, तो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे आई बटन में, आप लोग उस ब्लॉग में जा करके जरूर देखिएगा क्या हालत खराब हुई थी हमारी। और फिर आज जा रहे हैं और आज देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, उम्मीद करते हैं सब सही रहे। वैसे पर्सनली कहें तो मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, शायद मुझे लगता है कि जिया को भी अच्छा खासा लगता है, और यहाँ तो बात है एक नन्ही सी जान को इंजेक्शन लगने की, तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी जिया भी तैयार हो चुकी है, तो पूजा कर लो जल्दी से खाना खाओ फिर निकलेंगे। इस वाले बॉक्स को भी खोल लो ना जल्दी, डॉक्टर वाला जो खत्म भी है ना डॉक्टर, और यहाँ पर हमारा क्रियांश भी जग चुका है। क्रियांश आधा नींद में और आधा जगा हुआ है, और ये डाल लिया अपना उंगली मुंह में। अब जैसे ही इसकी उंगली को हटाएंगे बाहर, ये तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए हम इसकी उंगली को रहने देते हैं। वैसे इसका जो उंगली है हम लोग लगातार साफ करते रहते हैं, है ना क्रियांश, है ना है ना। A few moments later. फाइनली जी सभी लोग तैयार हैं, अब इसको लगने वाला है वैक्सीन, और अभी सो रहा है। चले यहाँ पर बाबू को लगने वाला है जी वैक्सीन। और जिया भी इस बार हिम्मत कर रही है, लास्ट टाइम भी जिया ही थी। तभी तो इसे कर रहा। इसमें आपको सूजन हो सकता है, बुखार होगा, गांठ भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं, सिर्फ इसको जो है ठंडा पानी से सेकिएगा दूध। तो फाइनली जी बाबू को पड़ गया है इंजेक्शन, और अभी तो यह सो रहा है, और ये जो इंजेक्शन बहुत हार्ड वाला है। अच्छा, हार्ड वाला इंजेक्शन, तो बाकी देखते हैं जी, फिर चलेंगे घर हम लोग कुछ देर में। और कहा गया है इसको गर्म ठंडे पानी से सिकाई करने के लिए हर दो घंटे पे।